देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हेलो, यस मैम। लोग का मेटेरियल कॉस्टिंग में ये तीन क्वेश्चंस जो है ये बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग 14 से ही स्टार्ट करते हैं। सर, इलास्ट्रेशन 14। अच्छा, इसमें क्या बोला है? देखो, बोल रहा है कि एम्ब्रियोस लिमिटेड इंडिया इज रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, ये एक कंपनी है जो कि नया स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप कंपनी, बैक इन द ईयर 2019। इट इज एंगेज्ड इन क्रिएटिंग एम्बेडेड प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सॉल्यूशंस फॉर द इंडस्ट्रियल मार्केट। मतलब देखो, ये कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने पहले भी बोला था, अगर तुम लोग पढ़ोगे क्वेश्चन को तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैसा खास खास कुछ है नहीं। कंपनी का डिटेल्स और कंपनी क्या बनाता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, कंपनी क्या बनाता है? प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि इन क्या है, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट। बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड आइटम बनाता होगा। ठीक है, इट इज फोकस्ड ऑन इनोवेशन। इनका फोकस रहता है इनोवेशन पे, डिजाइन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे उस पे इनका इनोवेशन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, डिजाइनिंग पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। वन ऑफ इट्स एम्बेडेड प्रोडक्ट इज लॉग मैक्स। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है लॉग मैक्स, ए सिस्टम ऑन मॉड्यूल कैरियर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, तो ये इसका यूज कैसे होता है वो बता रहा है। ठीक है, ये जो है एक सिस्टम ऑन मॉड्यूल है और जिसको कैरियर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल पर्पज पे इसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो बता है। इट इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर डिजाइंड एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन। जैसा जैसा इंडस्ट्री होगा वैसे एज पर दैट स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये लोग जो है उस प्रोडक्ट का, लॉग मैक्स का डिजाइनिंग कर लेते हैं, ये बोला है। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2022 कंपनी एंटर्ड इन टू ए जॉब एग्रीमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग 4,800 लॉग मैक्स टू NIT मंडी। ठीक है, तो 2022 में ये जो कंपनी है इन्होंने किसी और एक कंपनी को ये जो लॉग मैक्स प्रोडक्ट है वो सप्लाई करना है, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, एक जॉब लिया है उनसे। ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पर 4,800 लॉग मैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा इनको। फॉलोइंग डिटेल्स विथ रेस्पेक्ट टू इश्यू रिसिप्ट रिटर्न ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट हैंडलिंग माइक्रो कंट्रोलर ए कॉम्पोनेंट यूज इन द डेजिग्नेटेड असेंबलिंग प्रोसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2022। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे हमें डिटेल्स दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इश्यू रिसिप्ट रिटर्न ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। ये हैंडलिंग माइक्रो कंट्रोलर ए कॉम्पोनेंट यूज इन द डेजिग्नेटेड असेंबलिंग प्रोसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ। मतलब ये लॉगमैक्स प्रोडक्ट में कुछ रॉ मेटेरियल्स लगता है। मतलब ये रॉ मेटेरियल जैसे ये देखो, ये माइक्रो कंट्रोलर एक कंपोनेंट है जिसका यूज होता है, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया। बेसिकली देखो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब कैलकुलेशन के बेसिस पे देखो, क्या कंपनी है, कब बना है, क्या बेचता है, किनके साथ एग्रीमेंट किया है, ये सब बताया है। फिर उसके बाद बोल रहा है मेनली हमें तो यहाँ पर देखना है कि जो माइक्रो कंट्रोलर कंपोनेंट है उसका रिसिप्ट इश्यूज और जो है हम लोग का रिटर्न वगैरह क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सितंबर 1, इस तरीके का डिटेल्स दिया हुआ है, ये हम लोग क्वेश्चन करते वक्त पढ़ लेंगे। अब नीचे थोड़ा पढ़ते हैं। ऑन 25 सितंबर 2022 द स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड हिज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन। तो इस कंपनी के जो स्टॉक मैनेजर है वो जो है अपने होम टाउन के लिए चले गए। ठीक है, तो ड्यू टू सर्टेन कंटिजेंसी एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे। ठीक है, तो पहले तो बोले घर जा रहे बोल के उन्होंने छुट्टी ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसी दिन उन्होंने बताया कि वो और काम नहीं करने वाले। ठीक है, लेटर ही ऑल्सो स्विच्ड ऑफ हिज फोन। और उसके साथ साथ, मतलब पहले बोला कि घर जा रहे, फिर बोला काम नहीं करना है, काम छोड़ रहे, फिर उसके बाद फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब कहीं पर कोई भी जॉब करता है तो ये नहीं चलता। वैसे एक नोटिस पीरियड होता है, और नोटिस पीरियड में जो है पहले नोटिस पीरियड देना पड़ता है कि हम काम नहीं करना चाहते, तो ऐसे बोलने से ही हम लोग छोड़ नहीं सकते। जो भी हो, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बोल रहा है कि उन्होंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अब इससे इश्यूज क्या हुआ, देखो बोल रहा है एज द कंपनी हैज
एज द कंपनी हैज द टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट. कॉम्पोनेंट जो है ना उस पर रस्टिंग यानी जंग लग जाता है, ठीक है. तो कंपनी क्या करती है एवरी मंथ के एंड में, ठीक है, स्टॉक को जाके चेक करती है, ठीक है, और रिपोर्ट करती है कि रस्टिंग के वजह से कितने सारे स्टॉक लॉस हुए, ठीक है. द न्यू स्टॉक मैनेजर, तो अब एक तो चला गया, दूसरे को तो काम पे रखना पड़ेगा, तो दूसरे स्टॉक मैनेजर को काम पे रखा गया है. ऑन 30 सितंबर 2022 उन्होंने ये फाइंड आउट किया 900 यूनिट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, मतलब जो रॉ मेटेरियल है बेसिकली, वे आर मिसिंग विच वॉज एपरेंटली मिसअप्रोप्रिएटेड बाई द फॉर्मर स्टॉक मैनेजर. मतलब पहले वाले जो स्टॉक मैनेजर थे जिन्होंने पहले छुट्टी लिया, फिर काम छोड़ दिया, फिर फोन को भी स्विच ऑफ कर दिया, उन्होंने यहाँ कुछ गलत किया है. मिसअप्रोप्रिएटेड मतलब अब कुछ भी करे, ठीक है, मतलब इधर उधर कर दिया होगा, मतलब अनइथिकल काम जो होता है, ठीक है. तो इनका कहना है कि देखो ये मिसिंग है 900 यूनिट, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने मिसअप्रोप्रिएट किया है, ये इनका कहना है नए वाले स्टॉक मैनेजर का. ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कॉम्पोनेंट. और इसके अलावा इन्होंने बोला देखो 900 तो मिसिंग है और 300 जो है वो रस्टिंग हुआ है कॉम्पोनेंट पे, तो लॉस है, जो कि नॉर्मल लॉस है, रस्टिंग हो जाता है ये वाले रॉ मेटेरियल पे. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टोर लेजर या फिर स्टॉक लेजर जो भी बोलो अकाउंट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूइंग द इश्यूज, ठीक है. हमें क्या करना है वेटेड एवरेज मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब इतना सारा चीज जो है ये हमें ऐसे ही दे रखा है, मतलब ये जो है पढ़ने से लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली करना क्या है, ये जो डेटा दिया हुआ है इससे हमें स्टोर लेजर बनाना है, और वो भी वेटेड एवरेज मेथड से बनाना है, ठीक है. तो चलो बनाते हैं यहाँ पर इलास्ट्रेशन 14, ये स्टोर लेजर कंट्रोल वेटेड एवरेज मेथड डेट रिसीप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट इश्यूज क्वांटिटी रेट अमाउंट बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट. अब देखते हैं क्या क्या बोला है. सेप्टेम्बर 1 ओपनिंग स्टॉक 6,285 पर यूनिट, तो हमें यहाँ पर डेट लिखना पड़ेगा 1 सेप्टेम्बर. ओपनिंग बैलेंस है तो रिसिप्ट में नहीं जाएगा, इश्यूज में भी नहीं जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6,285 करके रेट है. 6,000 × 285 तो ये हो गया 17,10,000. अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. 8 सितंबर इशू 4875 यूनिट टू मैकेनिकल डिवीजन मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर. मैंने रिक्विजिशन नंबर का कॉलम नहीं बनाया, तुम लोग चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा. सितंबर 8 में बेसिकली इशू हुआ है 4875. अच्छा इशू का रेट क्या होगा 285 भी होगा, क्योंकि एक ही तो लॉट है, कुछ है भी नहीं वैसे भी. अब इसका वैल्यू देखते हैं 1389375. अच्छा अब बचेगा कितना, 6,000 में से चला जाएगा 4875, तो बच रहा है 1125. रेट क्या होगा वही 285 करके होगा, या फिर देखो वेटेड एवरेज में जैसे रेट निकालते वैसे ही निकाल लो, इससे इसको डिफरेंस निकालना पड़ेगा. पहले 17,10,000 से माइनस 13,89,375, 3,00,000
20,625 डिवाइडेड बाई 1125, 285। सर फिर 8 सितंबर के बाद देखते हैं, 9 सितंबर रिसीव्ड हुआ है 17,576 करके। गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग। यहाँ पर 17,500 276, 17,500 276, 48,30,000। अच्छा अब इसके साथ इसका टोटल करेंगे, पहले था 1125। अच्छा ये लिखा हुआ इसका पहले टोटल कर लेते, नहीं तो इतना बड़ा डेटा लिखना पड़ेगा फिर से। तो पहले अमाउंट का टोटल कर लिया, 51,50,625, 1125 प्लस 17,500, 18,625। अब रेट कैसे निकालते हैं एवरेज में, टोटल अमाउंट बाय क्वांटिटी, 51,50,625 डिवाइडेड बाय 18,625, तो ये रेट कुछ इतना आ रहा है, 276.54। फिर 3 है तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है, 276.54। ये हो गया 9 सितंबर। नेक्स्ट देखते हैं 10 सितंबर, 12,000 इशू हुआ है, 12,000 इशू हुआ है, ठीक है। अच्छा इसका रेट लेना पड़ेगा, रेट कौन सा होगा, यही वाला 276.54 इंटू 12,000, 33,18,480। अच्छा 18,625 माइनस 12,000, 6,625। अच्छा इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, 51,50,625 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं, माइनस 33,18,400, 480। अच्छा 18,32,000, 18,32,145 ये बचा हुआ अमाउंट, अब इस अमाउंट से इस क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा तब रेट पता चलेगा। तो रेट हो जा रहा है 276.55, लगभग एक ही है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के लिए देख सकते हो, या ये वाला 54 था ये 55 आ गया। 10 सितंबर हो गया, इसके बाद 12 सितंबर रिटर्न टू स्टोर, ठीक है, स्टोर में रिटर्न आया, मतलब रिसिप्ट में लिखना पड़ेगा 2375 यूनिट, ठीक है, लिखते हैं 12 सितंबर, 2375 रिटर्न टू स्टोर आया है, ठीक है। अच्छा इसका रेट क्या लिखेंगे, देखो एवरेज में हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है, जो एवरेज रेट चल रहा है उसी पे ही लिखते जाना होता है, तो इतना करके, क्योंकि सब तो मिक्स्ड अप है, ये 2375 जो रिटर्न हुआ ये कौन से लॉट का है हमें वो पता ही नहीं, 285 वाला है या 276 वाला है, तो हमें एवरेज चाहिए, तो हम लोगों ने एवरेज कर दिया, ठीक है। 2375 इंटू 276.55, तो ये आंसर आ रहा है 6,56,806.25, 0.25 आ रहा था, मैंने वो भी लिख दिया, 6,625 प्लस ये पहले से था 2375 और आ गया, तो ये हो गया 9,000। अच्छा अब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 18,32,145 प्लस 65,68
06.25, 24, 88, 951.25 डिवाइडेड बाय 9000, 276.55. तो 12 सितंबर के बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है. 15 सितंबर में रिसीव्ड हुआ है 9288 करके. सितंबर 15 9288. ट्वेंटी फाइव लैख 92,000. तो 9,000 और 9,000 टोटल 18,000 हो जाए. एटीन थाउजेंड. और ये तो लिखा हुआ है यहाँ, और बाकी डेटा देख के ऐड करेंगे. 24,88,951.25, 50,80,951.25, 50,80,951.25 डिवाइडेड बाई 18,000. तो ये आ रहा है आंसर 282.27. 282.27 के बाद 5 है तो इसको हम लोग 28 कर लेते हैं. ठीक है, 282.28. 15th के बाद 17 है शायद, देख लेते हैं. 17 रिटर्न हुआ है, सप्लायर को रिटर्न कर रहा है तो फिर कम दिखेगा, तो इश्यूज में दिखाना पड़ेगा 700. ठीक है, तो यहाँ पर 700 रेट क्या लगाएंगे, जो एवरेज रेट चल रहा है. ये फीफो लिफो नहीं है कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा लॉट रिटर्न हो रहा है. तो 282.28 इंटू 700, 1,97,596, और ये माइनस करने से हो जाएगा 17,300. अच्छा, यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं 50,80,951.25, 48,83,355.25. ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 17,300, तो ये आ रहा है कुछ इतना, 282.27 27 आ गया. ठीक है, अच्छा 17 सितंबर हो गया. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 20 इशू किया है 9,500 यूनिट. उसका रेट हो जाएगा ये वाला जो बचा हुआ रेट है, 282.27. 282.27 इंटू 9,000, नहीं 9,500, 26,81,565. अच्छा 17,300 माइनस 9,500, 7,800. अच्छा, इससे इसको माइनस करेंगे, इशू हुआ है तो कम हो जाएगा, 48,83,355.25 माइनस 2,681,565. तो ये आंसर आ रहा है 22,01,790.25 डिवाइडेड बाय 7,800. तो रेट पता चल जाएगा, तो रेट कितना आ रहा है, 282.28. ये हो गया 20 सितंबर, हो गया कंप्लीट. अब नीचे का ये दो ट्रांजैक्शन हमें लेना पड़ेगा. अब जब इन्होंने 25 सितंबर को स्टॉक मैनेजर जब चेक करने गया तो इन्हें देखा, अच्छा 25 सितंबर में पुराने वाले स्टॉक मैनेजर ने जो है जॉब छोड़ दिया, उसके बाद नए स्टॉक मैनेजर आए, उन्होंने जब 30 सितंबर को स्टॉक काउंट किया तो 900 दिखा कि
पहले वाले स्टॉक मैनेजर के कारण मिसिंग है, और 300 जो है वो हम लोगों का रस्टिंग के वजह से खराब हुआ है, तो दोनों ही इश्यूज में जाएगा क्योंकि स्टॉक कम दिखेगा। ठीक है, मतलब 900 मेरा एबनॉर्मल लॉस है, 300 मेरा नॉर्मल लॉस है। ठीक है, ये इश्यूज में दिखेगा, कम करना पड़ेगा स्टॉक क्योंकि 900 तो मिसिंग है और ये वाला जो है ये हम लोग काम पे नहीं लगा सकते, लॉस हो चुका है। तो 30 सितंबर को हमें इसका एंट्री करना चाहिए। तो पहला जो है इश्यूज में 900 दिखाते हैं, ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे, इस पे हम स्टार देके नोट लिखवा देंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया 900। 900 का रेट कितना करके होगा, जो रेट चल रहा है 282.28, 282.28 इंटू 900, 2,54,052। अच्छा 7,800 माइनस 900, 6,900 बचेगा। अच्छा इसमें कितना बचेगा, 2,201,790.25 माइनस 2,54,052, 19,47,738, 19,47,700 38.25। अब ये डिवाइड कर देते हैं 6,900 से, तो ये आंसर आ जाएगा 282.28, हो गया। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट, फिर से 30 सितंबर, यहाँ पर यूनिट्स में हम लोग 300 लिखेंगे, लेकिन उसका रेट या अमाउंट कुछ भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, सिर्फ यूनिट कम होगा। लास्ट दिन मैंने बताया भी था नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट क्यों लेस होता है। तो ये हो गया 6,600। अच्छा और वैल्यू यही रहेगा 1,947,738.25, 25 है 1,947,738.25 डिवाइडेड बाई 6,600। अच्छा ये आ रहा है 295.11, 295.11। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों पे स्टार देके हमें नोट लिखना है कि इसको हम लोगों ने इशू माना है क्यों। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं 900 यूनिट इज एबनॉर्मल लॉस, इट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। ये हमें पीएल में चार्ज करना चाहिए क्योंकि ये हम लोग का लॉस है। ठीक है, और जो 300 यूनिट्स था इज नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस जो है ये हम लोग क्या करेंगे, इट विल बी एब्सॉर्ब्ड, इसको एब्सॉर्ब करवा देंगे कॉस्ट में, एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। ठीक है, मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा। देखो सेम हुआ यहाँ पर, कॉस्ट नहीं लिखा, देखो यहाँ रेट चेंज नहीं हुआ, 900 का लॉस दिखाया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट को भी लेस किया एज वेल एज अमाउंट को भी लेस किया। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ यूनिट को लेस किया, अमाउंट वही रखा, तो जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का नीचे का डेटा कम हो रहा है, ऊपर का एज इट इज रह रहा है, तो फिर मेरा वैल्यू तो ज्यादा आएगा ही, तो इसका मतलब हम कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं नॉर्मल लॉस में। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट दिन डिटेल्स में देखा भी था, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाला। तो ये हो गया, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन वेटेड एवरेज। अब देखो एक चीज हो सकता है कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट को अगर कोई किसी और तरीके से करे, जैसे मान लो 0.25 को अगर कोई इग्नोर कर रहा है, तो उस केस में थोड़ा सा आंसर इधर उधर डिफर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग चाहो तो पॉइंट रखो 0.25, अगर चाहो तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो, बिना पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो भी होगा। ठीक है, अच्छा तो ये हम लोग का 14 वाला कंप्लीट हो गया, ये देखो। ठीक है, अब हम लोग 13 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफ अप्रैल 2023, XEXE ये मेटेरियल का नाम है, स्टॉक है 1 अप्रैल 2023 को 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, परचेज का डेट दिया है 5 अप्रैल 8 अप्रैल 12 अप्रैल को, तीन तीन बार परचेज हुआ है 300 500 600 एट द रेट 6 7 8 करके।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर इश्यूज का दिया हुआ है, कितना कितना इश्यूज हुआ है, ठीक है। हमें करने क्या बोला है, बोला है कि कैलकुलेट यूजिंग फीफो एंड लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज द वैल्यूज ऑफ मेटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड और द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मेटेरियल ऑन 15 अप्रैल 2023, ठीक है। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करने बोला है, एक तो बोला है जो मेटेरियल कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड उसका कॉस्ट निकालो, ठीक है। मतलब इश्यूज का आंसर ही हमें वो बताएगा। तो और दूसरा है कि हमें कितना स्टॉक जो बचा हुआ है, 15 अप्रैल क्यों बोला है, क्योंकि देखो हमें डेटा फोर्टनाइट का दिया था, ये देखो यहाँ पर दिख रहा था तुम लोगों को, ये देखो यहाँ पर फोर्टनाइट बोला था ना, फोर्टनाइट का मतलब 14 डेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये देखो 14 डेज 14 अप्रैल तक है, तो फिर इसका मतलब हम लोग जब वैल्यूएशन करेंगे तो नेक्स्ट डे हम लोग का 15 अप्रैल होगा, तो 15 अप्रैल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है वो हमें बताना है, और हमें फीफो लिफो से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलो फीफो लिफो से करके देखते हैं। और उसके बाद हमें बोला है एक्सप्लेन व्हाई द फिगर्स ए एंड बी इन पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर द टू मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मेटेरियल इश्यूज यूज्ड, यू नीड नॉट ड्रॉ अप द स्टोर लेजर, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये भी बताना है कि दोनों मेथड्स में मेटेरियल इश्यूज का जो वैल्यूज आएगा वो अलग अलग क्यों आएगा, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि स्टोर लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब फीफो और लीफो मेथड तो करने तो बोला है, लेकिन बोला है स्टोर लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। स्टोर लेजर का मतलब पर्टिकुलर इस फॉर्मेट से हमें क्वेश्चन को करना नेसेसरी नहीं है, ये वाले फॉर्मेट से, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग नॉर्मल लिख के कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम बताते हैं नॉर्मल कैसे कर सकते हो। फीफो लिफो का जो है स्टोर लेजर प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करने नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते, पहले हम लोग वैल्यू ऑफ मेटेरियल निकालेंगे, लेकिन फीफो लिफो का मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला है, लेकिन फीफो लिफो करना है, लेकिन स्टोर लेजर मेथड को यूज नहीं करना है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ए, ए का ए, वैल्यू ऑफ मेटेरियल एक्स कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, वन फोर 2023 से 15/4/2023 यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग फीफो, पहले फीफो का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से हम लोग करेंगे लिफो का यूज करके, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टोर लेजर नहीं बनाएंगे तो पूरा इतना डिटेल्स का हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हमें जो जो डेटा जरूरत है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो हमें एक डेट का जरूरत होगा, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, देखो हम दिखा देते हैं कैसे स्टोर लेजर बिना बनाए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, अच्छा पहले फीफो से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टॉक है 1/4/2023 में 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके, ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके, ये हो गया 500। अच्छा 1 अप्रैल के बाद यहाँ 5th दिया है, इशू का डेट देख लेते हैं, कहीं 5th के आगे तो कुछ नहीं है, नहीं 6th से स्टार्ट है, तो 5th जो है फिर से परचेस 300 यूनिट 6 रुपीज करके, परचेस 300 यूनिट 6 रुपीज करके 1800, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट इश्यूज का ही डेट आएगा, 5th के बाद 8 नहीं लिखना है हमें, ट्रांजैक्शन के डेट वाइज लिखना है, तो 6 अप्रैल आएगा, 6 अप्रैल 250 यूनिट का इशूड। अच्छा अब इशू हो रहा है, मेथड कौन सा है, फीफो, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा कितना यूनिट इशू करना है, 250, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला 100 यूनिट पूरा ले लेंगे, और 250 के लिए हमें और 150 लेना पड़ेगा, ये 100 का रेट 5 करके होगा, ये 150 का रेट 6
ऐसे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 और यहाँ पर हो जाएगा 900, ठीक है, 500 और 900 ये टोटल होगा। अच्छा, इसके बाद 6 अप्रैल के बाद कौन सा डेट आएगा, इधर तो 10 है, ऊपर देख लेते हैं, 8 है, तो 8 का पहले डेट आएगा, परचेस्ड 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7, तो ये हो जाएगा 3500। अच्छा, 8 तारीख के बाद क्या आएगा, इधर तो 12 है, नीचे देखते हैं इश्यूज में कौन सा डेट है, 10 है, तो 10th 400 यूनिट का इशू बोला है, ये देखो इशू बोला है 400 यूनिट का, यहाँ पर देखो 400 यूनिट, ठीक है, तो 400 यूनिट कैसे लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो हम लोग का ये वाला लॉट खत्म हो गया था, यहाँ पर इशू जब हुआ 300 में से 150 ही खत्म हुआ, ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले पुराना लॉट खत्म करना है, तो यहाँ से 150 ले लेंगे, जिसका रेट हम लोग का 6 रुपीज करके होगा, ठीक है, और टोटल कितना 400 यूनिट इशू करना है। तो अब देखो ये वाला, ये दोनों लॉट ही हम लोग का हो गया है खत्म, ठीक है। अच्छा, अब बचा क्या है, यहाँ पर ये परचेस 500 से कितना लेना पड़ेगा, यहाँ 400 करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 250, ठीक है, 250 जो कि 7 रुपीज वाला होगा, तो यहाँ पर हो गया 900 और यहाँ पर हो जाएगा 250 × 7, देखते हैं कितना होता है, 1750, ठीक है, ये हो गया 10th अप्रैल का इश्यूज। नेक्स्ट देखते हैं 10th के बाद परचेस होगा, 12th, 12th अप्रैल 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 करके, अच्छा 12th के बाद 14th अप्रैल था इशू, देखते हैं कितना इशू करने बोला है, 500 यूनिट, ठीक है, तो 500 यूनिट कहाँ से लेंगे, देखो ये 100 यहाँ पर इशू हो गया, ये 300 का यहाँ 150 हुआ और यहाँ पर 150 हुआ, ये भी खत्म हो गया, ये 500 से यहाँ पर 250 हुआ, ठीक है, तो इसमें 250 बचा है, मतलब ओल्ड लॉट में ये वाले से 250 बचा हुआ है, ये 250 7 रुपीज वाला, तो पहले ये खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई स्टॉक में हम लोग हाथ दे सकते, तो 500 में से आराम से हम लोग 250 दे सकते, 250 7 रुपीज वाला, ठीक है, तो ये भी लॉट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट परचेस था 600, अब जो भी लेना है यहाँ से लेना है, तो यहाँ पर 150 होगा, तब जाके 400, नहीं कितना 400 बोला है कि 500 बोला है, तो और भी 250 लेना पड़े, जो कि 8 रुपीज करके होगा, तो 250 × 7 1750, पहले भी कैलकुलेट किया था, देख के लिखा है मैंने, फिफ्टींथ अप्रैल को बैलेंस निकाल लेंगे। अच्छा, बैलेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो 100 यूनिट खत्म, 300 का इधर 150 और इधर 150 खत्म, 500 का यहाँ 250 और यहाँ 250 खत्म, 600 से 250 गया है, इशू हुआ है, तो बचा कितना 600 में से सिर्फ 250 गया है, तो अभी 575, नहीं 600 था, 250 था, तो 575 कैसे, 350 बैलेंस बचेगा, और उसका रेट कितना होगा, ये 600 का जो रेट था × 8 2800, ठीक है, तो बिना स्टोर लेजर बनाए हम लोग इस तरीके से, इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट बोल सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को आंसर क्या देना है, हमें वैल्यू ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड बताना है,
इसके नीचे लिख रहे हैं तो फीफो वाले के लिए लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ मेटेरियल कंज्यूम कितना हो जाएगा, ये जो देखो ये सब इशूड जो है वही कंज्यूम्ड हुआ है, तो 500 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 900 ये देखो प्लस 1750 प्लस 1750 प्लस 2000, अच्छा कितना हो जाएगा? सेवन फिफ्टी प्लस 1750 प्लस 2000 6800, अच्छा ये 1750 था तो इसमें और भी 1000 ऐड हो जाएगा 7800। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। और इसके अलावा स्टॉक बताना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ठीक है तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक ये वाला 2800 हो गया। सेम तरीके से हम लोगों को लीफो से करना है, फिर ये बताना है दोनों में आंसर अलग अलग क्यों आए, सेम चीज हमें लीफो में करना, तो लिखो वैल्यू ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड एंड एक काम करते हैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ मेटेरियल, हाँ ठीक है चलो वही लिखने से हुए। वैल्यू ऑफ मेटेरियल ई एक्स ई कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1400 बाय लिफो। डेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, वन फोर 2023 ये शायद बैलेंस था, देखो 300 एट द रेट ऑफ नहीं सॉरी ये वाला 100 एट द रेट ऑफ 5 करके, फाइव हंड्रेड फिर 5 अप्रैल 2023 परचेस 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 करके, एटीन 6/4/2023 इसके बाद ये वाला डेटा आएगा 6/4, ठीक है। इशूड टोटल कितना इशू करना है ये देखो ना, ये हम लोग का इशू था यहाँ पर ऐसे लगा दो तो यहीं से देख के हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 250 इशू करना है, हम लोग कर रहे हैं लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले लिख लेते हैं इशू 250 यूनिट करना है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट वाला 300 है उसी में से हम लोग 250 इशू कर सकते हैं, 250 इंटू 6 तो 25 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 1500, 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल, 8 अप्रैल परचेस 500 यूनिट 7 रुपीस करके, सेम डेटा है तो यहां से देख के लिख दे रहा है। P 1500 इसके बाद 10 अप्रैल इशू देखते हैं कितना, ये देखो 10 अप्रैल इशू ये दोनों का ऐड करने से हो जाएगा 400, ठीक है 150 और 250 400 इशू था, ठीक है तो 400 इशू कैसे करेंगे यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन 500 है इससे 400 इशू करेंगे तो 400 × 7 2800, 10th के बाद 12th अप्रैल
परचेज, ये देख 608 रुपीज करके, 4,800। अच्छा 12th अप्रैल के बाद 14th अप्रैल इशू। ये 500 है, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन कितना है? लास्ट इन है 600, इससे आराम से 500 इशू कर सकते हैं, 4,000। और 15th अप्रैल बैलेंस, अच्छा बैलेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कितना बैलेंस बचा हुआ है और कौन से रेट का बचा हुआ है। तो देखो ये 100 था, उसके बाद ये परचेज हुआ, फिर इशू हुआ, तो यहाँ से हुआ, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो हम लोग जब अपना स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से गया तो या इसका 100 बचा हुआ है, हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, 300 से 250 गया, इसका 50 बचा हुआ है, मतलब हम यहाँ पर लिख ले 100 बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 5 करके, यहाँ पर लिख के देख, ये 100 बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 5 वाला, 300 में से 250 गया, 50 बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 6 वाला, फिर परचेज 500, फिर इसमें से इशू हुआ 400, मतलब 100 बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 7 वाला, अच्छा फिर परचेज 600, उसमें से गया 500, अगेन 100 बचा हुआ है एट द रेट ऑफ 8 वाला, ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा ये 500 इश्यूज के बाद बस बैलेंस निकालना है, तो बैलेंस कितना होगा ये सबको कैलकुलेट करने से पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 300, ये हो गया 700 और 800, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो ये 100, पहले देखो यूनिट टोटल करते हैं, 100 100 100, 350, ठीक है, टोटल 350 होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 350। यहाँ हम लोग रेट उस तरीके से नहीं लिख सकते, अदरवाइज देखो इसका तुम लोग बाइफर्केशन भी लिख सकते हो, अगर टोटल 300 नहीं लिखना चाहो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, तो बाद में समझने में आसानी होगा। 100 एट द रेट ऑफ 5 वाला पड़ा हुआ है, 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 वाला पड़ा हुआ है, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 वाला पड़ा हुआ है, अगेन 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 वाला पड़ा हुआ, तो इतना टोटल, ठीक है। और ये सब रेट है, तो टोटल इधर हो गया 500, ये हो गया 300, और यहाँ 700, और यहाँ पर 800, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है लिफो मेथड से, ठीक है। अच्छा अब इसका चाहो तो तुम लोग टोटल भी करके लिख सकते हो, अब हम लोग को यहाँ पर सेम तरीके से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे लिखा है वैल्यू ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, कंज्यूम्ड कहाँ से निकालेंगे, जहां पर इशू का डेटा गिवन है, ठीक है। तो ये रहा ये वाला 1500, और यहां पर टू थाउजेंड एट हंड्रेड, 4,000, 1500, 2,800 और 4,000, 4, 5, 6, 7, 7,000, और यहां पर हो गया 8 + 5, 8,300, ठीक है। ये हम लोग का हो गया वैल्यू ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर ही मैंने दिखाया है, तो 500 + 300 + 700 प्लस 800, 700, 300, 1,000, 1,000, और यहाँ पर हो गया 2,300 आएगा इसका टोटल, 2,300 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आया 2,300, यहाँ पर 2,800, यहाँ कंजम्पशन 7,800, यहाँ पर 8,300। अब देखो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में पहला पोर्शन तो कर लिया कि ए का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, बी में बोला है क्यों ए और बी ये दोनों पार्ट का आंसर जो है वो अलग आया है दो मेथड से, ठीक है, स्पेशली इश्यूज के केस में, मतलब कॉस्ट में, और स्टोर लेजर ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आंसर लिखते हैं क्यों हम लोग का जो है वैल्यूज अलग अलग आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अच्छा पहले समझा देते हैं क्यों अलग अलग आया, ठीक है, फिर हम बताते हैं। देखो यहाँ पर
अगर तुम लोग देखोगे ओपनिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कोई भी मेथड ले लो, चाहे फीफो ले लो चाहे लिफो ले लो, ठीक है। फिर परचेज हुआ, वहां तक कोई डिफरेंस तुम लोग को नहीं दिखेगा। इशू का देखो, यहाँ 1500 पहला डिफरेंस, और यहाँ पर इशू का हो रहा है 900 और 500। ये दोनों का टोटल कर लो तो फिर समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा कैलकुलेट करने पे। ये 1400 हो रहा है टोटल, ठीक है। यहाँ पहला इशू आ रहा है 1500, तो इस वजह से डिफरेंसेस हमें दिखेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग वहां पर जब इशू कर रहे हैं तो मेथड अलग है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर है लास्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि रेट अलग अलग चूज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू मेथड, ठीक है। अच्छा चलो, अब हम यहाँ पर अपने हिसाब से लिख के बता रहे, तुम लोग जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ऑन 6/4/2023, मतलब ये पहला इशू 250 इशू हुआ है, 250 वेयर इशूड टू प्रोडक्शन, ठीक है। अब फीफो मेथड में क्या हुआ और लीफो में क्या हुआ वो हम कंपेयर करके दिखाते हैं, ठीक है। फीफो में हम लोगों ने इशू कुछ इस तरीके से किया, 100 यूनिट 5 115 टू 6, फाइव हंड्रेड 900 और आंसर आया 1400। लेकिन लीफो में इशू कैसे हुआ, लीफो में हुआ 215 टू 6, ₹1500, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, तो कंजम्पशन हुआ है, मतलब ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट में डिसाइड होगा, तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट में जाके ये एड ऑन होगा, तो लीफो मेथड से जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ₹100 ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या आएगा हम लिख देते हैं, हेंस ₹100 मोर वॉज चार्ज्ड टू प्रोडक्शन अंडर लीफो, ठीक है। अगर हम लोग लीफो मेथड फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ₹100 से ज्यादा दिखेगा। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने बोला है क्यों अलग अलग दिख रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पर अलग दिखा दिया, क्यों अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग चूज करेंगे फीफो है तो इस तरीके से, लीफो है तो इस तरीके से, तो इसका रीजन ये हुआ और कंक्लूजन ये हुआ कि ₹100 ज्यादा चार्ज होगा प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर सेकेंड डिफरेंसेस कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, हर बार इश्यूज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इश्यूज कब हुआ है, नेक्स्ट इश्यूज हुआ है 10 अप्रैल को, और यहाँ पर 115 टू 6 215 टू 7 के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इसमें भी सेम तरीके से लिखेंगे, ऑन 10 अप्रैल 2021, सॉरी 2023, 400 यूनिट्स वेयर टू बी इशूड टू प्रोडक्शन, अच्छा फीफो में कैसा हुआ, वन फिफ्टीन टू सिक्स टू 15 to 7, ये 900 और ये 1750, 2650, और लीफो में 400 into 7, 1 again इसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसमें फिर से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर कंक्लूजन हेंस कितना ज्यादा हो रहा है, इन दोनों का माइनस करने से ही पता चलेगा, 150 होगा शायद, देख लेते, 2800 150,
अंडर लिफो, ठीक है, सेम वही कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम लोग ऐसा इस सेम क्वेश्चन का ये दो मेथड फॉलो करते हैं तो अगर लिफो मेथड में 150 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और एक बार इशू हुआ है, ठीक है, ऑन देखो इशू डेट लास्ट 14/4, 250 250 सेवन और एट करके। फाइव हंड्रेड यूनिट्स वेयर इशूड टू प्रोडक्शन, फीफो में इसका इंपैक्ट क्या है? 250 250 सेवन और एट, ये 750 और ये होगा 2000, 3750 लीफो, 500 एट, फोर थाउजेंड, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हिंस एक्स्ट्रा कितना हो गया ये माइनस करने से 250 मोर वाज चार्ज्ड टू प्रोडक्शन अंडर लीफो, इतना ज्यादा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एक्सेस कितना चार्ज हो जाएगा? अभी 250 हुआ, इसके पहले यहां पर हुआ था 150, मतलब 400 400 और इधर हो गया था 100, टोटल 500 एक्सेस चार्ज होगा। तो यहां पर लिखते हैं दस टोटल एक्सेस अमाउंट चार्ज टू प्रोडक्शन अंडर लीफो कम्स टू ₹500। ये सबका टोटल करने से ये कंक्लूजन निकल के आए, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये तो हो गया हमारा कंक्लूजन, अब हमें यहाँ पर रीजंस भी बताना है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस आया वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब रीजंस क्या है, तो रीजंस को कैसे लिखेंगे? तो लिखो इस तरीके से, ठीक है, ये बी का, ठीक है, ये ए का हो गया कंजम्पशन का वैल्यू जो आया वो अलग अलग क्यों आया, और बी का स्टॉक का जो कंजम्पशन वैल्यू आया वो अलग क्यों आया है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक वाला, ठीक है, ये 2300 और उधर 2800। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो द रीजन फॉर डिफरेंस ऑफ 2800 माइनस 2300, ये देखो क्या क्या डिफरेंस आया, यहां पर आया है ये देखो 2300 क्लोजिंग स्टॉक का कर रहा है और इधर आया 2800, दोनों में जो डिफरेंस आया ₹500 इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल अंडर फीफो एंड लीफो एज फॉलोज। पहला पॉइंट, इन केस ऑफ फीफो, फीफो में क्या होता है, ऑल 350 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिलोंग्स टू द परचेज ऑफ मेटेरियल मेड ऑन 12th अप्रैल
2023, समझाते हैं जो बोला है मैंने जो लिख। जब हम लोग फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकाले, ये देखो जब हम लोगों ने फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो यहाँ पर जो रेट लगा वो 14 अप्रैल 2023 में जो स्टॉक हम लोगों ने परचेस किया था, ठीक है। एक सेकेंड, इन केस ऑफ फीफो ऑल 350 यूनिट्स, हाँ ये तो इशू यहाँ पर ये परचेज था, सॉरी इसके बाद तो इशू हुआ, मैंने 14th क्यों बता दिया। ये देखो ये जो 600 था उसमें से 250 यहाँ गया, बाकी तो सब खत्म हो गया था, और इसमें से जो 350 बचा उसका 8 रुपीज करके वैल्यू हुआ। मतलब ये इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे हुआ, 12 अप्रैल को परचेस किए गए स्टॉक के रेट के अकॉर्डिंग हुआ, वही लिखा है मैंने। In case of FIFO, all 350 units of closing stock belongs to the purchase of material made on 12th April 2021. लेकिन LIFO में ऐसा नहीं हुआ। देखो LIFO में क्या हुआ, अलग अलग रेट यूज हुए। एक 5 हुआ जो कि ओपनिंग बैलेंस था, दूसरा 6 हुआ जो कि हम लोग का 5th अप्रैल को परचेस था, आफ्टर दैट 7 हुआ जो कि हम लोग का 10th अप्रैल का परचेस था, फिर 8 हुआ जो कि हम लोगों का 14th अप्रैल का परचेस था। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, इस वजह से डिफरेंस हुआ। परचेस डेट अलग है और रेट भी अलग है, डेट रेट दोनों अलग है, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट, वेयर एज अंडर लीफो दीज units were from so इसके नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, इसको यहाँ स्टार लगा देते हैं, ठीक है। बाई चांस मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ये वाला पीछे जाना चाहिए था, ठीक है, मतलब ये यहाँ जगह था मैंने शायद देखा नहीं और इसको इधर लिखा ना, इस वजह से ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। गलत कुछ नहीं है वो, मतलब यहाँ पर कंक्लूजन पीछे लिखना था मुझे, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। ए अच्छा एक ही लाइन लिखा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये वाला मेरे सेंटर लिखो, ठीक है हम पीछे लिख दे रहे, ठीक है ठीक है, इधर ठीक है, ये यहाँ लिख दिया मैंने गलती से, ये इस पेज में आएगा, ठीक है। तो एक काम करते पीछे ही लिख लेते हैं, वेयर एज अंडर लीफो दीज यूनिट्स वेयर फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस, अभी अभी दिखाया ना ओपनिंग बैलेंस का यूनिट रह गया, एंड परचेज मेड ऑन, कौन कौन से डेट का परचेज, देखो यहां पर दिखेगा परचेज मेड ऑन ये 6 मतलब 5th अप्रैल, 7, 8th अप्रैल, 5th, 8 और 14, शायद इशू था 12 होगा, 12th अप्रैल, अच्छा इस वजह से अलग होगा रेट, क्योंकि ये सारे रेट्स मिला के क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, वहां पर सिर्फ एक ही रेट से क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और एक रीजन भी बता देते हैं, नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू different purchase price paid by the concern on different days
डिफरेंट डेज ऑन परचेज, ठीक है, अलग अलग दिन पे परचेज हुआ, अलग अलग प्राइस पे परचेज हुआ, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक The value of closing stock differ under FIFO and LIFO, ठीक है, differ कर जा रहा है FIFO और LIFO में, under FIFO अंडर FIFO 350 वैल्यू एट द रेट ऑफ इसको लीफो लिख देते पहले, ठीक है, एक ही डेटा लिख लेंगे, इसमें लीफो में 350 का वैल्यूएशन कैसे हुआ, 8 रुपीज करके, ये सॉरी FIFO में ही 8 रुपीज करके, ठीक है, 8 रुपीज करके चेक कर लिया मैंने एक बार रेट, 8 रुपीज करके, ये लीफो नहीं ये FIFO ही होगा, ठीक है, FIFO में 8 रुपीज करके जो आगे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, एंड नहीं लिख के ऐसे लिख सकते, वेयर एज अंडर लीफो, लीफो में क्या हुआ, फर्स्ट 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 करके, ये देखो पहला 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके, देन 50 यूनिट 6, 100 यूनिट 7 और 100 यूनिट 8, ये देखो 50 यूनिट 6, 100 यूनिट 7 और 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 करके, ये देख देख के लिख लेते, एट द रेट ऑफ 6, नेक्स्ट 100 एट द रेट ऑफ 7 एंड लास्ट 100 एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट, ठीक है, इस सब के पीछे पर यूनिट लिख सकते हैं, thus under FIFO the value of closing stock increased by ₹500, 2300 और 2800 का गैप, ठीक है, तो 500 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया रीजन क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने दिखाया कि क्या डिफरेंसेस हो रहा है, ठीक है, और क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पे भी क्या डिफरेंसेस हो रहा है क्यों हो रहा है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन हमें देना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोग का देखो कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये हो गया हम लोग का 13। अब क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा इसमें देखो, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई ऑकर्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडेड 30th September 2022, 6 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है, अप्रैल से लेके सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, परचेज यूनिट दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट, इशूड यूनिट दिया हुआ है, बोल रहा है रिक्वायर्ड, पहला क्वेश्चन पूछा है, द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज दैट The value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material issues is used. Do you agree? Why or why not? बोल रहा है जो इनके accountant है वो बोल रहा है कोई भी method use कर लो, ठीक है, ये जो data है उसके लिए particular उस data के लिए उनका कहना है कोई भी method use कर लो, क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा सेम ही आना है, क्या ये बात वो सही कर रहे हैं कह रहे हैं, अगर सही कह रहे हैं तो क्यों वो हमें बताना है, और अगर हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं इस बात से तो उसका भी हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बोला है डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ भी हमें स्टोर लेजर नहीं बनाना है, यहाँ भी हमें क्वेश्चन को समझा के बोलना है, ठीक है, कि क्या सिचुएशन होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है,
State when and why would you recommended the LIFO method of pricing of material issues? हमें ये बताना है कि कौन कौन से situations में हम लोग LIFO method को prefer करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, recommend करेंगे कि भाई LIFO method use करो, ठीक है, ये एक पूरा अलग सा ही question है, ठीक है, ये A जो है इससे related है. चलो देखते हैं कि chief accountant सही बोल रहे हैं कि नहीं, कोई भी method use करो, बोल रहे हैं कि इनका answer जो है वो same आएगा. Illustration. Well. अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर हमें लेकिन बोला है कि कोई भी स्टोर लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, डिटेल स्टोर लेजर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन हमें तो कोई मेथड भी नहीं बोला है, तो क्या हम लोग अलग अलग सारे मेथड से चेक करते जाए? उसमें तो काफी टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या कैसे चेक कर सकते इस चीज को? देखो ऐसे चेक कर सकते, टोटल परचेज देखते हैं कितना है, इसका पूरा टोटल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो मंथ वाइज बता ही दिया है, पहले ये परचेज, फिर ये इस तरीके से, ठीक है, और इश्यूज ऐसे हुए. मतलब देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमारे पास 200 परचेज हुआ था अप्रैल में, जबकि उस डेट मतलब उस मंथ में कुछ भी इश्यूज नहीं हुआ, फिर 300 परचेज हुआ, 250 इशू हुआ, ठीक है, 425 परचेज हुआ, 300 इशू हुआ, 475 परचेज हुआ, 550 इशू हुआ, 500 परचेज हुआ, 800 इशूज हुआ, 600 परचेज हुआ, 400 इशूज हुआ. तो एक बार हम लोग अगर टोटल परचेज और टोटल इशू निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, एक बार टोटल बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है, तो 3 + 2 500 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 425 + 500 मतलब 1900 + 600, चलो पहले 600 कर लेते और इसमें 1000 लगा देंगे, मतलब 2500 टोटल नंबर ऑफ परचेज ये आ रहा है, 2500 तुम लोग चेक करके देख सकते हो. तो एक बार ये बात लिखना है हमें, पहले लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परचेज यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इशूड, इशूड का भी टोटल चेक करते हैं पहले कितना होगा, तो 250 300 मतलब ये दोनों मिला के हो गया 550 550 और 550, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1100 1100 और यहाँ पर हो गया 400, मतलब 1500 + 800 2300, ठीक है, तो टोटल इश्यू बन रहा है 2300. द क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ 6 month, that is on 30th of September. देखो ये September last है, April से चल रहा था, तो end month का यानी 30, क्योंकि September 30 का होता है, 30th September 2022 will be हाँ 22 ही दिया है, कितना होगा माइनस करते हैं, टोटल के हिसाब से माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 200 यूनिट्स, ठीक है, ये तो मैंने टोटल के हिसाब से निकाला है, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी मेथड यूज कर लो, ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर लो, नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज, बोल रहा है इसका आंसर सेम ही होगा. तो ये देखो हम तुम लोग को यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं क्यों ऐसा होगा. जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग फीफो से कर रहे होते, ठीक है, अगर फीफो से कर रहे होते तो उस केस में हम लोग का आंसर क्या आता, ये देखो 200 यूनिट यहाँ पर कुछ भी इश्यूज नहीं हुआ, और फिर 300 परचेज और 250 इशू, तो 250 यहाँ से जाएगा, ठीक है, सोच के देखो 250 यहाँ से 200 जाएगा, यहाँ से 50 जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे होते, देखो
ये समझो, पहले अगर हम लोग फिफो मेथड फॉलो कर रहे होते, फर्स्ट टाइम इश्यूज हो रहा है 250, तो ये 200 पूरा ही चला जाता, 300 से 50 बचता। मतलब हम यहीं पर अगर कट करके दिखाते, ये मेरा खत्म हो जाएगा, इसमें से 50 बचेगा, ठीक है। फिर 425 परचेज हुआ और 300 इश्यूज हुआ, तो फिर ये भी इधर आ गया, मतलब 300 पूरा कट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 50 गया और 425 से फिर कितना जाएगा, 50 कम जाएगा, 425 हमें चाहिए 300, ठीक है। तो 300 माइनस यहाँ पर 50, तो 250 इधर से जाएगा, ठीक है। इधर से 250 जाएगा ये 300 पूरा करने के लिए, तो यहाँ से 250 अगर लेस हो जाएगा तो देखो कितना बचता है, 175। देखो हम फिर से बताते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लेजर वेजर करना नहीं। अब देखो अगर करोगे तो क्या अलग अलग मेथड से करते ही जाओगे, ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहीं पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग भी समझो। ये देखो 200 हम लोगों ने परचेस किया, फर्स्ट टाइम जब 250 इशू हुआ, 200 पूरा खाली हो गया फीफो, 300 में से 50 चला जाएगा, 250 बचेगा, 300 में से 50 चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 200 गया, यहाँ से 50 गया, तो यहाँ 250 बचेगा। अच्छा अब 250, अब यहाँ 300 चाहिए, तो यहाँ से 250 गया, अच्छा थोड़ा गलत हो गया मेरा, यहाँ से 250 गया, यहाँ पर 50 बचा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से 50 जाएगा, सॉरी यहाँ से 50 जाएगा, यहाँ से 250 जाएगा, तो कैसे लिख के दिखाएं, यहां से दिखाते, देखो 200 से पूरा 200 चला जाएगा, जीरो बचेगा, ठीक है। 300 से हम लोग का ये 250 के लिए 50 गया, तो बचा 250। इसके बाद परचेस हुआ 425, फिर 300 इश्यूज हुआ, तो 300 में से 250 यहां से गया, और ये 425 से कितना जाएगा, 425 से हम लोग का यहाँ पर ये देखो 425 से हम लोग का 50 जाएगा, तब जो है यहाँ पर 50 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 250 और यहाँ पर 50, तब जाके मेरा 300 होगा, मतलब 425 से 50 गया, तो देखो लेस करने से कितना बचेगा, 375, ठीक है। बाकी ये सब खत्म हो गया है फीफो, ये आगे का लॉट सारा खत्म हो गया, तभी फीफो फॉलो होगा ना, आगे का लॉट खत्म हो गया, ये वाला बचा है 375। अब कितना इश्यूज है, 550, तो ये भी चला जाएगा, ये खत्म, तो 375 गया, हमें 550 चाहिए, ठीक है। तो नए वाले मतलब नेक्स्ट लॉट से 175 जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 175, तो यहाँ बचेगा कितना 475, तो यहाँ बचा 300, मतलब बेसिकली ये सब खत्म, अब इसमें से सिर्फ 300 बचा हुआ है, इसमें से 300 बचा हुआ है। अब जब 800 हुआ, यहाँ से 300 गया, मतलब ये खत्म, और यहाँ से 500 जाएगा, ठीक है, 500 चला गया, तो ये पूरा 800 हो गया, मतलब हमारे पास अगस्त तक का जो भी परचेस था वो पूरा इशू कर देना पड़ेगा, ठीक है, वो पूरा इशू कर देना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का यही वाला रहेगा, 600 × 20, ये वाला हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है। उसमें से हम लोग ये 400 का इशू करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का 200 यूनिट रहेगा। और अगर यही चीज हम लिफो में करते तो भी देखो हमारा सेम होता, लिफो में करने से क्यों सेम होता, क्योंकि लिफो में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये परचेज हुआ उसके बाद ये इश्यूज हुआ, ठीक है, तो ये परचेज है, इसके बाद ये परचेज हुआ, फिर ये इश्यूज हुआ, यहाँ तो जीरो था, तो फिर लिफो तो यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 200 हमारा बचा हुआ रहेगा, लिफो के केस में क्या हुआ, यहाँ से गया मेरा 250, तो यहाँ 50 बचा हुआ है, यहाँ पूरा 200 बचा हुआ है, फिर 300 इश्यूज हुआ, तो ये 425 से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 125 बचा हुआ है। अगर 475 से 550 जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो 475 पूरा चला जाएगा, और 550 को फुलफिल करने के लिए, ये देखो 550 को फुलफिल करने के लिए बचा हुआ 75 यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितना बचेगा, ये कट होके यहाँ 50 बचेगा, और ये पूरा खत्म, और ये 800 जाएगा, तो 500 पूरा चला जाएगा, ठीक है, और भी 300 का नीड है, तो यहाँ से ये 100 हो गया, और हमें 300 चाहिए, यहाँ से 200 हो गया, टोटल 300, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। देखो लिफो मेथड से भी अगर करोगे तो 800 इशू होने तक हमारा पूरा पूरा
पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा और ये 400 हमारा इसी से इश्यूज होगा, और बचा हुआ स्टॉक हम लोग का कौन सा रहेगा, बचा हुआ स्टॉक हम लोग का वही जो 600 से 400 के बाद 200 into 20, मतलब तुम लोग चाहो तो इसका स्टोर लेजर बना के देख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी दिख रहा है कि अगर तुम लोग इसमें कोई भी मेथड यूज कर लो। क्यों ऐसा हो रहा है पता है, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर अगस्त 2022 तक हम लोग का जितना भी परचेज है ठीक है, और उसके अगेंस्ट में इश्यूज कितना है वो एक बार चेक करके देखो ठीक है, तब समझ में आएगा। तो हम लोग का परचेज कितना है, यहाँ पर हो गया 500 ठीक है, प्लस 425 प्लस 475 प्लस 500, तो यहाँ पर 1850 का परचेज है। इश्यूज देखो 250 प्लस 300 प्लस 550 प्लस 800 ठीक है, इश्यूज है 1900, मतलब परचेज से ज्यादा इश्यूज है। मतलब एक चीज क्लियर है, कोई भी मेथड ले लो ये 1850 तो खत्म होना ही है किसी भी तरीके से। हाँ बोलो मैम, हाँ 800 नहीं है वो 1900 ही होगा, 1900 हो रहा है। हाँ जितना परचेज किए उतना ही इश्यू किए, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं बदल रहा है। अच्छा मेरा टोटल गलत हो गया है क्या, 300 425 प्लस 475 प्लस 500, अच्छा 1900, आओ मेरा टोटल गलत हो गया था 1900 ठीक है। तो देखो अप टू अगस्त तक जितना परचेज हुआ है अप टू अगस्त तक उतना ही इश्यूज हो गया, मतलब इतने इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए ये पूरा स्टॉक मुझे लगा देना पड़ेगा, चाहे कोई भी मेथड ले लो, फीफो ले लो, लीफो ले लो ठीक है, वेटेड एवरेज ले लो ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड मैंने सिखाया नहीं है ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड से भी करोगे तो सेम होगा ठीक है, या फिर बेस स्टॉक मेथड होता है, कोई भी मेथड लो, क्योंकि ये परचेज और जो इश्यूज है वो इक्वल क्वांटिटी का है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। और सितंबर में जो परचेज होगा उससे ये 400 इश्यूज होने के बाद 200 का हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, जो कि एट द रेट ऑफ 20 करके दिखेगा। इसीलिए ये चीफ अकाउंटेंट ये बात कर रहे हैं कि जैसा भी कर लो, जो भी मेथड ले लो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। तो बिल्कुल हम लोगों को इस बात पे एग्री होना चाहिए, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का परचेज स्टॉक इक्वल टू जो है कंजम्पशन स्टॉक इक्विवेलेंट हो रहा है ठीक है। तो इस बात को बस हमें लिखना है, ये पॉइंट ए का आंसर हो जाएगा ठीक है। तो चलो लिखते हैं, यहां पर मैंने इतना तक लिखा, चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो, अगस्त 2022 अप टू टोटल परचेस एंड टोटल इश्यूज वैल्यू इज सेम, दैट इज 1900 यूनिट्स ठीक है, सेम है। इट मीन्स देयर वॉज नो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ अगस्त 2022। देखो अगस्त 2022 तक कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं, क्योंकि जितना परचेस उतना इश्यू ठीक है। तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो सितंबर के स्टॉक के ऊपर ही डिपेंड करेगा ठीक है। तो यहां पर इन द मंथ ऑफ सितंबर 2022 600 यूनिट्स वेयर परचेस्ड आउट ऑफ विच 400, ये देखो 600 परचेज होगा जिसमें से 400 इश्यूज होगा, 400 इश्यूड सो द क्लोजिंग स्टॉक विल बी ऑलवेज valued from this stock and quantity is
200 यूनिट ऑलवेज एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्योंकि एक ही परचेज बच रहा है, उसी से इश्यू होगा, उसी से क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वो हमेशा ही सितंबर वाला स्टॉक का अमाउंट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इससे कंक्लूजन ये बोल सकते हैं, द सो यहां पर लिखते हैं, सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ चीफ अकाउंटेंट is correct as there is only one purchase, एक ही purchase बचता है, one purchase and one issue in a month, किसी एक month में, in a month मतलब यहां पर जैसे September में, with no other opening stock, क्योंकि यहां पर 1900 कवर हो जा रहा है, तो प्रीवियस कोई स्टॉक तो रह नहीं रहा है, ठीक है। विथ नो अदर ओपनिंग स्टॉक द मेथड ऑफ प्राइजिंग ऑफ मेटेरियल इश्यूज इश्यूड becomes irrelevant, तो कोई भी मेथड लगाने का जरूरत, मतलब इररेलीवेंट होगा अगर हम लोग मेथड के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी मेथड से आंसर सेम आने वाला है। सो वी कैन एग्री विद द, सो वी कैन नहीं लिखो, वी शुड, हमें होना चाहिए, वी शुड एग्री विद चीफ चीफ अकाउंटेंट ठीक है। तो हमें इस सिचुएशन में उनके साथ तो एग्री हो जाना चाहिए, लेकिन अगर एक ही मंथ का नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक, तो उस केस में ये आंसर वेरी कर सकता था, ठीक है। तो ये एक हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। इट मे हाउ एवर बी नोटेड that chief accountant would not stand, उनका बात सही नहीं होता, if one finds the value of closing stock एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर मंथ के एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर हर मंथ के एंड में कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक बच जाता, तो फिर चीफ अकाउंटेंट का ये बात जो है वो सही नहीं होता, ठीक है। अब तुम लोग अपने हिसाब से और भी इसे अगर कंसाइज करके लिख सकते हो तो अच्छा है, लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर दिया है पॉइंट बी में, हमें ये बताना है कि लिफो मेथड का कब कब यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। लिफो मेथड जो है, जब इन्फ्लेशन होता है या फिर राइजिंग प्राइस सिचुएशंस होता है, तो हमें लिफो मेथड का यूज करना चाहिए। तो मेन तीन पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कब हमें लिफो यूज करना चाहिए। तो देखो, लिफो मेथड LIFO method has an edge over FIFO and weighted average. FIFO or any other लिख देते हैं, और any other method for following advantage, ठीक है।
फॉलोइंग एडवांटेज। लेकिन एक चीज है, ये जो लीफो है ना, इसको लेकिन एज के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है? अगर अकाउंट्स के हिसाब से चले तो एज टू इसको मना कर रखा है, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते एज टू के अकॉर्डिंग, ठीक है? फिर भी इसका जो बेनिफिट है वो हमें पूछा है, तो हम लोग कॉस्ट में लिख ही सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कॉस्ट के यहाँ पर तो एज का, देखो एज यूज करके कॉस्ट नहीं होता है, अकाउंट्स होता है। तो अकाउंटिंग जब एंट्रीज होगा तो वहां पर हमें लेकिन लीफो का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि एज टू इसे मना कर रखा है, ठीक है? जब एज टू करोगे तो वहां पर डिटेल्स में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर कब कब हमें लीफो यूज करना चाहिए। वैसे लीफो का काफी सारा एडवांटेज है फीफो या बाकी सारे मेथड से, ठीक है? तो यहाँ पर पहला बेनिफिट है कि कॉस्ट ऑफ मेटेरियल इशूड विल बी आइदर नियरर और विल रिफ्लेक्ट द करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है? ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था, करेंट मार्केट प्राइस। देखो अगर हम लोग लीफो यूज करें लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? तो जब भी इशू होता है करेंट स्टॉक से होता है। जैसे कि देखो अभी यहाँ पर दिखाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो क्वेश्चंस को दिखाया था लीफो से, तो देखो यहाँ पर जब इशू हुआ, ये फीफो है, यहाँ पर जब इशू हुआ तो प्राइस 5 और 6 दोनों दिखा, ठीक है? क्योंकि दोनों स्टॉक को लेना पड़ा। लेकिन जब यहाँ पर कर रहे तो ओनली 6 दिख रहा है, ठीक है? तो इशूड का जो वैल्यू है, ये वाला इशूड का जो वैल्यू है वो हम लोग का करेंट मार्केट प्राइस, क्योंकि करेंट मार्केट प्राइस कौन सा है, ये 6 है, ये लेटेस्ट है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल ये लेटेस्ट प्राइस है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट तो करता है, समझ में आ गया, बेनिफिट क्या होगा? तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है वो हमारे मार्केट प्राइस के ट्रेंड में रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग अगर पुराना, मतलब फीफो यूज करेंगे, पुराना स्टॉक, अगर पुराना स्टॉक का प्राइस कम था, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यूज जो है वो कम होगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखो इससे क्या बेनिफिट होगा, दस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, विल बी रिलेटेड टू ट्रेंड ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ मेटेरियल। मेटेरियल का जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मतलब जो ट्रेंडी प्राइस है उसके साथ वो रिलेट कर पाएगा, ठीक है? और इससे क्या बेनिफिट होगा, सच ए ट्रेंड इन प्राइस ऑफ मेटेरियल एनेबल्स द मैचिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विथ करेंट सेल्स वैल्यू, ठीक है? देखो तुम लोग अकाउंट्स में पढ़े होगे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि हमें अपने परचेज प्राइस के साथ रेवेन्यू शुड बी मैच विद द कॉस्ट, रेवेन्यू शुड बी मैच विद द कॉस्ट, ठीक है? तो अब देखो अगर हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट जो बेचेंगे वो तो करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ही बेचेंगे, लेकिन अगर हम लोग जो इशू प्राइस है वो पुराना वाला यूज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो एक प्रोडक्ट का प्राइस, मेटेरियल का प्राइस का पहले 5 फिर 6 हुआ, ठीक है? अब हम लोग अगर लीफो यूज करेंगे तो जब हम लोग इशू करेंगे, हमारे पास ये 2 स्टॉक है, ये मान लो 1 तारीख को आया था 1 अप्रैल, ये 2 अप्रैल को आया एग्जाम्पल के तौर पे। तो जब हम लोग इशू करेंगे और हम लोग अगर लीफो यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये 6th वाला इशू करेंगे, ठीक है? और अगर हम लोग 1 यूनिट का, मान लो 6 रुपीज, और हमें 1 यूनिट का ही जरूरत था, तो इशू प्राइस हो गया 6 रुपीज, ठीक है? अब हम लोग इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं 10 रुपीज में, तो हमारा कॉस्ट कैसे डिसाइड होगा, 6 प्लस यहाँ पर 4 रुपीज प्रॉफिट हो गया, तो ये 10 रुपीज आ जाएगा सेल्स वैल्यू। तो कॉस्ट को हम लोग मार्केट प्राइस के सेल्स वैल्यू के साथ काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये 5 वाला लेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, देखो 5 होने से हमारा प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा 1 रुपीज से, ठीक है?
सेल्स वैल्यू वही रहेगा, लेकिन कॉस्ट को अगर हमें एग्जैक्टली ये देखो, सच ए ट्रेंड इन प्राइस ऑफ मटेरियल एनेबल्स द मैचिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद करंट सेल्स वैल्यू, करंट सेल वैल्यू के साथ मैच कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हो सकता है जब हमारा मटेरियल प्राइस 5 चल रहा था, तब उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 10 के जगह 9 चल रहा था, ठीक है? तो अगर करंट सेल के साथ हमें अपना मार्केट प्राइस को, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को मैच करना है, मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना है, तो मैचिंग कंसेप्ट हमेशा यही बोलेगा कि जो करंट सेल्स वैल्यू उसके साथ फिर करंट मार्केट मार्केट प्राइस लो, करंट सेल के साथ करंट मार्केट, करंट सेल के साथ ओल्ड मार्केट प्राइस क्यों ले, ठीक है? तो मैचिंग कांसेप्ट अच्छे से अगर हमें फॉलो करना है तो उसमें हमें लीफो ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो वही लिखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड विल बी आइदर नियरर और विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस के आसपास या फिर करंट मार्केट प्राइस को ही रिफ्लेक्ट करेगा जो मटेरियल का कॉस्ट है वो, अगर हम लोग लीफो बेसिस पे ले रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसका जो कॉस्ट है वो ट्रेंड जो है वो ट्रेंडी मार्केट प्राइस के रिलेट करेगा, और इसीलिए मैचिंग कंसेप्ट को भी रिलेट कर पाएगा, ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट में लिखो, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे लिखो, इन लिफो ड्यूरिंग, अगर हम लोग लिफो यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग द rising price situation, during the rising price does not reflect undue high profit in PL as it was under FIFO और वेटेड एवरेज मेथड। देखो, बोल रहा है कि अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है, प्राइसिंग राइज सिचुएशन है, ठीक है, तो लीफो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। क्यों? एक का प्राइस था 5, दूसरा 6, अगर हम लीफो यूज करेंगे तो हम अपना कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 रखेंगे, ठीक है? अगर मुझे 10 रुपीस में बेचना है तो 4 रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अगर हम लीफो के जगह फीफो यूज करते तो मुझे 5 रुपीस लगाना होता, ये मान लो 1 तारीख को लिया, ये 2 तारीख को लिया है, तो 5 रुपीस लेते, और मुझे अगर 10 रुपए में बेचना है तो मेरा यहाँ पर फिर प्रॉफिट आ जाता है 5 रुपीस, ठीक है? तो हाई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ठीक है? अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखेगा पीएल में फीफो या फिर वेटेड एवरेज के तरह, यही लिखा है मैंने, फीफो या वेटेड एवरेज के तरह राइजिंग प्राइस सिचुएशन में हाई प्रॉफिट ये मेथड हमें नहीं दिखाता है, ठीक है? प्रॉफिट हमेशा क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा, क्योंकि हम लोग जो है करेंट मार्केट प्राइस यूज करें जो कि महंगा होगा क्योंकि राइजिंग प्राइस सिचुएशन है, ठीक है? तो इन फैक्ट द प्रॉफिट शोन हियर इज रिलेटिवली लोअर, नॉर्मली बाकी मेथड से कम होगा, एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्स इंटू अकाउंट, जो हम लोग ले रहे हैं, टेक्स इंटू अकाउंट, जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं राइजिंग ट्रेंड, ठीक है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ मेटेरियल प्राइसेस, ठीक है? क्योंकि हम लोग करेंट मार्केट प्राइस लेंगे लीफो में जो लास्ट इन हुआ है तो वो तो महंगा ही होगा, तो क्योंकि हमारा जो राइजिंग ट्रेंड पे हम लोग चल रहे हैं तो हमारा अनड्यू हाई प्रॉफिट पीएल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? इसको तुम लोग चाहो तो और भी कंसाइज करके लिख सकते हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट में और एक क्या होगा, और एक हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, देखो, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, वो तो हम लोगों ने राइजिंग वाला देखा, अगर प्राइस गिर रहा है चीजों का, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट ट्रेंड ड्यू टू लोअर प्रॉफिट ट्रेंड राइज ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट
yet finished product appear to be more competitive and are at market price. ठीक है, अब देखो अगर opposite situation हो रहा है, market में material का price कम हो रहा है, पहले 5 था, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, ऐसे करके मैंने कम कर दिया. मान लो ये 1 अप्रैल का है, ये 5 अप्रैल का है, ये मान लो 10 अप्रैल का है, ठीक है, ये मान लो जो है 18 अप्रैल का है, फॉर एग्जाम्पल. ऐसे ऐसे हम लोगों ने इतने रेट से परचेस किया तो प्राइस कम हो रहा है. प्रॉफिट ट्रेंड्स राइज ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट. ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग का बढ़ता जाएगा. क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग अगर लिफो फॉलो करेंगे तो पहले इस मेटेरियल, इस रेट के मेटेरियल को यूज करेंगे क्योंकि यही लास्ट इन है. ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि देखो कॉस्ट हमारा कम होते जा रहा है मार्केट में, तो अगर हम लोग लिफो यूज करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा. तो प्रॉफिट ट्रेंड कैसा रहेगा? प्रॉफिट ट्रेंड राइज ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट. तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि मेटेरियल कॉस्ट कम होगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 ऐसे करके यूज करेंगे. तो येट फिनिश प्रोडक्ट अपीयर टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड आर एट मार्केट प्राइस. ठीक है, भले ही प्रॉफिट मेरा जो है वो मेरा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मेटेरियल कॉस्ट मेरा कम हो रहा है, फिर भी मेरा प्रोडक्ट हमेशा मार्केट प्राइस के साथ एट पर रहेगा क्योंकि हम लोग करेंट वाला वैल्यू ले रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए. तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा फिनिश गुड्स का, ठीक है, या फिर फिनिश प्रोडक्ट जो भी बोलो, वो मोर कॉम्पिटिटिव होगा. क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस के साथ एट पर होगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग लिफो यूज कर रहे हैं, लिफो जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही हमें चलना पड़ेगा. और लास्ट पॉइंट, अगर इन्फ्लेशन हुआ, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में चीजों का दाम बढ़ता है, ठीक है, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाना, ठीक है, लिफो विल टेंड टू शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड thus avoid paying undue taxes to some extent. मतलब देखो, अगर हम लोग लिफो का यूज करेंगे टू सम एक्सटेंट, ठीक है, अगर हम लोग लिफो का यूज करेंगे तो हम लोग हमेशा करेंट मार्केट प्राइस लेंगे. तो अगर महंगाई हो रहा है, करेंट मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट, देखो कॉस्ट अगर महंगा हो जा रहा है, अगर मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. इस केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन के केस में जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, तो वही बोल रहा है, लिफो विल टेन टू सो द करेक्ट प्रॉफिट. तो कम होगा लेकिन वही करेक्ट है क्योंकि अभी अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो अगर मुझे एकदम करेंट सिचुएशन के साथ चलना है तो बात तो यही है भाई, इन्फ्लेशन चल रहा है तो महंगाई है तो प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा. तो इसी चीज को बोल रहा है करेक्ट प्रॉफिट एंड दस Avoid paying undue taxes to some extent. ठीक है, और अगर अगर हम लोग इसमें फीफो यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का इन्फ्लेशन चल रहा है, हम लोग फीफो यूज करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग का कम पड़ेगा. क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो कॉस्ट है मेटेरियल का वो कम होगा तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? ज्यादा दिखेगा उस सिचुएशन में. अब इन्फ्लेशन चल रहा है, इधर मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो वो करेक्ट बात नहीं होगा. तो लिफो यूज करने से क्या होगा? हमें करेक्ट प्रॉफिट इसीलिए बोल रहा है क्योंकि अगर महंगाई है तो प्रॉफिट तो कम होना चाहिए ना. प्रॉफिट ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग फीफो यूज कर रहे हैं, अगर तो होगा, अगर लिफो करोगे तो करेक्ट प्रॉफिट दिखेगा. एंड दस अवॉइड पेइंग अनड्यू टैक्सेस. अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्सेस भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे. तो हो सकता है कि अगर हम लोग कुछ ड्यू रख देते हैं टैक्स, तो फिर वो हमें बाद में पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम लोग लिफो यूज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है करेक्ट दिखेगा, ज्यादा भी नहीं दिखेगा, कम भी नहीं, जितना दिखना चाहिए उतना दिखेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन. ठीक है, तो उसमें हमें टैक्सेस भी कम पे करना, मतलब जैसा पे, जैसा प्रॉफिट वैसा टैक्स पे करेंगे. हाई प्रॉफिट होगा तो फिर हाई पेमेंट करना पड़ेगा ना. तो अब पेमेंट करने का सिचुएशन कहाँ है? क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है तो सभी का इनकम तो कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है.
तो अगर हम लोग इस सिचुएशन में लिफो का यूज करेंगे तो ना तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट दिखेगा सिचुएशन वाइज, और हमें हाई टैक्सेस भी पे करने का जरूरत नहीं होगा, और हमें अनड्यू टैक्सेस का भी जो है फेस नहीं करना पड़ेगा, अनड्यू टैक्सेस को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमें पूछ ले कि अगर हम लोग लिफो मेथड का यूज करते हैं तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग का ज्यादा इस तरीके का ही क्वेश्चन था। वैसे तो देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक दो मेथड मुझे बताना है, तो उसका कुछ क्वेश्चंस हम ले लेंगे फ्राइडे वाले क्लास में। जैसे कि सिंपल एवरेज मेथड मैंने नहीं बताया, बेस स्टॉक मेथड क्या होता है ना, एक बार एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस पर कर लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो दो या तीन मेथड मैंने नहीं करवाए, मतलब मुझे अभी तक क्वेश्चन वैसा नहीं मिला, दूसरा क्वेश्चन लेना पड़ेगा मुझे। फीफो लिफो हम लोगों ने सीख लिया, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बेस स्टॉक मेथड, और यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है, ये करने से हो जाएगा। और कुछ मुझे वो वेस्टेज और स्क्रैप के ऊपर थोड़ा सा थ्योरी लिखवाना है बस। तो मुझे लगता है ये मेरा नेक्स्ट क्लास में, मतलब फ्राइडे में आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ऐसे तो पूरा कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।